बड़े विश्वास के साथ राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर चले हैं, अब उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, लेकिन जो स्थिति बन रही है, आपको तो 7 सीटें चाहिए थी मिलने की बात सामने आ रही है, कांग्रेस जितनी सीट मांग रही थी वो भी नहीं मिल रही है, और अब जो अखिलेश यादव का बयान आया है तो लग रहा है कि आप लोग न्याय यात्रा का सम्मान भी नहीं कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल और झारखंड वाली कहानी होने जा रही है क्या यूपी में? सबसे पहले तो चौधरी चरण सिंह की कर्मस्थली, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की कर्मस्थली, हमारे मरहूम नेता चौधरी अजीत सिंह जी की कर्मस्थली पर हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। रही बात इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की, आपने जैसे कि अभी बताया कि ठेंगा दिखाया जा रहा है, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनका तो ये ठेंगा कटा हुआ है, वो बेचारे दिखाएंगे क्या? इंडिया गठबंधन लोकतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र को बचाने के लिए बना है, अभी ठेंगा इनके पास है इसलिए वो दिखा भी सकते। लेकिन जब गठबंधन बचेगा तब तो फिर लोकतंत्र बचेगा। गठबंधन बचेगा, निश्चित रूप से बचेगा, न बचने का कोई सवाल नहीं है। हमारे दल की आपने जो 7 सीटों की बात कही, न बात 7 सीटों की है न 70 सीटों की, बात भारत देश की है, बात संविधान बचाने की है, बात सरकार बनाने की है। ठीक है, साहब सिंह जी ये कह रहे हैं कि हम तो फिर भी ठेंगा दिखाने की आज़ादी रखते हैं, आपके यहाँ तो गठबंधन में दलों का ठेंगा काट दिया गया है। देखिए, हमारे यहाँ तो जो है, जो एनडीए है तो एनडीए पूर्ण रूप से जो है संगठित है, और एनडीए जो है पिछले 10 साल से देश में सरकार चला रहा है, और अभी चुनाव होने जा रहा है, एनडीए जो है फिर भारी बहुमत से जो है देश में सरकार बनाने जा रहा है। तो फिर ये दिक्कत क्यों है? वो यात्रा कर रहे हैं तो करने दीजिए, वो न्याय यात्रा करें, आप लोग कहते हैं अन्याय यात्रा हो रही है। कौन यात्रा को रोक रहा है? देश में आजादी है, डेमोक्रेसी है, जिसकी जो इच्छा है वो करे, तो यात्रा चल रही है, कहाँ कौन रोक रहा है यात्रा को? यात्रा को कौन मना कर रहा है? अब ये तो पक्ष, ये तो प्रतिक्रियाएं पक्ष विपक्ष की होती है, यात्राएं चल रही है, कौन रोक रहा है यात्रा को? यात्रा चल रही है, यात्रा चल रही है। उमवीर तोमर जी, ये जो स्थितियां बन रही हैं खासतौर से गठबंधन को लेकर, राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर निकल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी राज्य में जाते हैं बवाल हो जाता है। पश्चिम बंगाल में ममता जी ने पल्ला झाड़ लिया, बिहार में नीतीश जी छोड़ के चले गए आपको, झारखंड में पूरा दल संकट में है, यूपी में अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमको तो न्याय यात्रा का न्योता ही नहीं मिला। तो कम्युनिकेशन गैप है या फिर कोई आपका सहयोगी दल दिल तो मिलाना चाहता है लेकिन सीट देना नहीं चाहता आपको? असल में राहुल गांधी जी की यात्रा अद्वितीय यात्रा है। देश में इतने सुख साधनों के बीच पला एक नौजवान नेता जिस इरादे के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकला, और जितने घोर जाड़े में कपकपी के दिनों में टी शर्ट पहन के जब वो सड़कों पर आया तो उसने कहा कि मेरे देश के लोगों के पास पहनने को ठीक से कपड़े नहीं है, इसलिए मैं पूरी ठंड में टी शर्ट पहन के निकला हूं। जहां तक प्रतिरोध का सवाल है, इतिहास के पन्ने पलटो, जब भी कोई बड़े अभियान के लिए नेता निकला है गांधी से लेकर के आज तक, प्रतिरोध की स्थितियां सदैव बनी है, लेकिन प्रतिरोध की स्थितियां उस शानदार युवा नेता के कदम नहीं रोक पाई और ना कदम रोक पाएगी। जहां तक सीटों का सवाल है, प्रतिरोध का सवाल है, बंगाल में मैं माफी के साथ कहता हूं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता हूं, लेकिन जिस तरह की सत्ता की शक्ति विपक्ष के नेताओं को चाहे सीधे डराती है चाहे पीठ पीछे डराती है, कोई पार्टी ऐसा नहीं, विपक्ष की सत्ता जहां है, जहां उनके नेताओं के दूसरे दर्जे के नेताओं को डरा के धमका के झूठे इल्जामात लगा करके जेल ना भेजा गया हो, तो निश्चित तौर पर, यानी कि आप कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान पर डर हावी हो रहा है। एक आखिरी रिएक्शन आपका लेते हैं फिर जनता के बीच जाएंगे। बताइए कि सहयोगी दलों की डर की बात करें, हालांकि आप लोगों ने भी हाथ खींच लिया गठबंधन के साथ ही, लेकिन कह रहे हैं कि पंजाब में अकेले लड़ जाएंगे हम। देखिए, जो गठबंधन की बात है, हम लोग ईमानदारी से गठबंधन के साथ है। हमारा एक मकसद जो है इस समय, जो देश की राजनीति में है, जो देश की राजनीति में आज केंद्र सरकार है, जो एक तानाशाही सरकार है, एक सांप्रदायिक सरकार है, हम लोग उसे हटाने के लिए एकजुट है पूर्णतः। जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब में हम लोग एक विशेष रणनीति के तहत हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।